गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आपके अपने चैनल VIIIC में, और एक बार फिर नई जानकारी और लेटेस्ट अपडेट के साथ में सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते चलें दोस्तों, अधिक से अधिक वीडियोस को शेयर भी कर दिया करें जिससे कि सभी तक जानकारी पहुँच जाए, और साथ में ही बेल आइकॉन पर तो प्रेस करना ही है। वीडियो पसंद आता है तो लाइक भी करें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम दो आदेश के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। एक आदेश है सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा दिया गया, जो कि विभिन्न विभागों को निर्देशित है, और वो आदेश क्या है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा डिटेल में। और दोस्तों, दूसरा आदेश शिक्षकों से संबंधित है कि किस प्रकार से शिक्षकों को घर घर जाकर के विद्यार्थियों को विद्यालय आने के लिए प्रेरित करना है और साथ में सेल्फी भी लेना है। तो इसके संबंध में डिटेल में क्या आदेश है वो भी मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि मुख्यमंत्री जी के द्वारा कई सारी घोषणाएं की जाती हैं, उसी में से एक घोषणा जिसका क्रमांक C0210 है, तो आइए जानते हैं क्या है वह घोषणा और सभी विभाग किस प्रकार से इस घोषणा के संबंध में अपने नियम को निर्देशों का पालन करने वाले हैं। दोस्तों, ये जो घोषणा है मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय से 4 अगस्त 2021 को जारी की गई, और 10वीं और 12वीं के जो मेरिट वाले अच्छे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए काफ़ी खुशखबरी वाली है। तो इसमें है कि अपर मुख्य सचिव शासन के समस्त विभाग को संबोधित है मध्य प्रदेश शासन के, और विषय है माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई घोषणा के संबंध में। तो लेख है कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई घोषणा निम्नानुसार है। चलिए दोस्तों, अब घोषणा क्या है वो देख लेते हैं कि घोषणा क्रमांक जैसा मैंने बताया C0210, चिन्हित शासकीय सेवाओं में चयन के लिए परीक्षा की व्यवस्था समाप्त की जाएगी। कक्षा 10वीं एवं 12वीं में प्राप्त अंकों की मेरिट के आधार पर शासकीय सेवा में चयन की व्यवस्था की जाएगी। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा है और इस पर अमल भी किया जाने लगा है। अतः माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा का क्रियान्वयन किया जाना है। इस हेतु आपके विभाग के ऐसे कितने पद हैं जिसमें चिन्हित शैक्षणिक योग्यता कक्षा 10वीं एवं 12वीं है, ऐसे पदों को चिन्हांकित करते हुए भर्ती प्रक्रिया का लेख करते हुए जानकारी 11 अगस्त 2021 तक इस विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। अवर सचिव रंजना पटेल, मध्य प्रदेश शासन। तो दोस्तों, इसमें जो निष्कर्ष निकल करके ये आता है कि 10वीं और 12वीं के क्वालिफिकेशन रखने वाले सभी विभागों में ऐसे कितने पद हैं, कौन कौन से पद हैं, इन सभी की जानकारी मांगी गई है। क्योंकि इससे संबंधित जो भर्ती परीक्षाएं होती हैं, अब वो भर्ती परीक्षाएं नहीं होंगी, केवल मेरिट के आधार पर, परसेंटेज के आधार पर ही उनमें नियुक्ति प्रक्रिया की जाएगी। ऐसी घोषणा क्रमांक C0210 में उल्लेख मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा किया गया था। चलिए दोस्तों, ये भी एक अच्छी खबर है कि मेरिट के आधार पर भर्ती होगी। अब दोस्तों, दूसरी जो जानकारी है वो शिक्षकों से संबंधित है। जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं, जैसा कि इस पेपर की कटिंग में है कि शाला त्यागी बच्चों को ढूंढकर स्कूल में दाखिला करेंगे शिक्षक। दोस्तों, ये एक अच्छी पहल है, क्योंकि हमको मालूम है सरकारी विद्यालयों की क्या कंडीशन है, विद्यार्थी पढ़ने के लिए नहीं आते हैं। इसलिए ये एक ऑर्डर जारी किया गया है स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा, जिसमें कि प्राथमिक व माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों को ये कार्य करना है। इसमें शिक्षक बच्चों के घर घर जाकर अभिभावकों को प्रेरित करेंगे कि वह बच्चे को स्कूल भेजें, साथ में ही वह उनके साथ में सेल्फी भी लेंगे कि हम वहाँ पर पहुँचे थे, हमने इनसे बातचीत की, और एम शिक्षा मित्र जो ऐप होता है वहाँ पर इनको अपलोड करना है। और दोस्तों, ये जो जानकारी है, ये जो ऑर्डर है, ये डायरेक्ट शिक्षक भर्ती से भी जुड़ा हुआ है कि यदि बच्चे ही नहीं होंगे तो आगे आने वाली स्थिति और ज़्यादा खराब होगी, पोस्ट नहीं निकलेंगी, तो वर्ग 3 के लिए भी ये काफ़ी नुकसानदायक रहेगा। तो ये एक अच्छी पहल है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों, परेशानी ये आ रही है कि जो मोबाइल नंबर हैं शिक्षकों के हिसाब से, वो काफ़ी बच्चों के बंद हैं या फिर उन्होंने गलत नंबर दे दिए हैं, तो ये एक समस्या का विषय है। लेकिन 31 जुलाई का जो ऑर्डर दिया गया था वो तो पूरा नहीं हो पाया, लेकिन अब इसका टाइम लिमिट और बढ़ा दिया गया है। तो दोस्तों, इस प्रकार से अब घर घर जाकर के शिक्षक स्कूल आने के लिए प्रेरित करेंगे बच्चों को,
और एक बहुत ही अच्छी पहल है। हालांकि इसमें कुछ परेशानियां हैं, जैसा कि आप ये देख भी पा रहे हैं कि ये परेशानी भी बताई है अपनी कि मोबाइल नंबर का बंद होना या और भी कई कारण, लेकिन ऑर्डर है तो पालन तो करना ही होगा। तो अब दोस्तों आगे क्या कंडीशन आती है ये तो समय आने पर पता चलेगा कि बच्चों की संख्या विद्यालय में बढ़ती है या नहीं बढ़ती है। तो दोस्तों जो दो ऑर्डर थे, एक महत्वपूर्ण था 10वीं और 12वीं के जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक अच्छी खबर, और उसके बाद में जो विद्यालयों के टीचरों को निर्देश दिए गए उससे संबंधित। तो दोस्तों इसी के साथ में हम अपनी बात को, अपनी जानकारी को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में अन्य किसी लेटेस्ट अपडेट के साथ में फिर से मुलाकात होगी। तो दोस्तों धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।